हेलो गाइस, तो मैं वापस आ चुका हूँ कोकडू के को नए एपिसोड के संग। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि जो हमारे कोकडू हैं अब अपने पैरों पर गिर जाते हैं और हमारे हंसजोल की सारी बातों को मानते हैं। तो अब जो हमारा एपिसोड है अब उसकी स्टार्टिंग होती है। तो कोकडू यहाँ पर सोचते हैं कि वो इनकी बातें क्यों मान रहे हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या बात है। और उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ही सोलुई हो। तो जो हमारी हंसजोल है वो कहती है कि कौन कौन सोलुई, मैं नहीं जानती किसी को भी। और उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारी पिछली लाइफ के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है, तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो। तो हंसजोल यहाँ पर सीधी सीधा मना कर देती है और उनसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो चुका है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो उसके बाद हमारे कोकडू अब यहाँ पर उन्हें किस करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हंसजोल उनसे कहती है कि तुम ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। और उसके बाद जो हमारा सीन है अब वो चेंज हो जाता है। तो हमारे कोकडू अब घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो उनके फ्रेंड हैं ओक्सेन और गाक्सेन, वो दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पता लगा कि वो कौन है। तो उसके बाद हमारे कोकडू उनसे कहते हैं कि देखो, उस लड़की में कुछ ना कुछ तो बात है, उसने मुझे ऑर्डर दिया और मैं उसकी बात मान भी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, जिसके चक्कर में मैं कोकडू बना हूँ, शायद ये वही लड़की है और इससे जो मेरी कर्ज है अब वो छूट भी सकती है। तो उसके बाद हमारे कोकडू यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब वो उसकी हेल्प करेंगे और पता लगाएंगे कि ये वो लड़की है या फिर नहीं है। तो उसके बाद अब जो हमारा सीन है वो चेंज हो जाता है और जो हमारी हंसजोल है अब वो यहाँ पर पैसों की व्यवस्था के लिए अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उन्हें कॉल करना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पर एक कॉपी में सबके नाम लिख लेती है और एक एक करके सब वो कॉल करती है, पर जितनी भी उनकी कोशिशें होती हैं वो सब बर्बाद चली जाती है क्योंकि यहाँ पर उनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। तो उसके बाद अब वो आखिर में अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और जो उनकी फ्रेंड है वो यहाँ पर उन्हीं की इंसल्ट कर देती है और वो कहती है कि मैं पागल थोड़ी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जॉब बताऊँगी, तुम्हारी इस समय रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, सभी लोग तुम्हें जानते हैं। और उसके बाद वो तब भी फ़ोन काटते हुए उनसे कहती है कि तुम जानी दी उनसे क्यों नहीं पूछती, उसके पास एक जॉब है शायद डॉक्टर की। और उसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं। तो यहाँ पर हमारी हंसजोल अब सोचती है कि ये जांगे दिन से पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए। और उसके बाद यहाँ पर वो सोचती भी है कि जांगे दिन असल में है कौन। तो यहाँ पर कुछ समय पहले की बात होती है, मतलब पास्ट की बात होती है, जो हमारी हंसजोल है जब वो कॉलेज टाइम में होती है तो यहाँ पर उनका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम जांगे दिन होता है और वो यहाँ पर टू टाइमर होता है, वो उन्हीं के फ्रेंड के साथ चीट कर रहा होता है। तो उसके बाद हमारी हंसजोल उनसे आके पूछती है कि तुम ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो जांगे दिन उनसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें इसी वजह से अप्रोच किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी फ्रेंड पसंद है और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैंने इस रिलेशनशिप को ऐसी करके रहने दिया। पर अब तो मैं ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर चीट कर रहा हूँ, टू टाइमर हूँ, तो तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। तो हमारी आंसर जो यहाँ पर आप सोचते हैं कि कॉल लगाया जाए या फिर नहीं लगाया जाए। और आखिरकार वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के उन्हें कॉल लगाने को होती है। पर तभी यहाँ पर उन एक ईमेल आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कोई आदमी यहाँ पर एक डॉक्टर को हायर करना चाहता है, उसमें वो उसको घर भी देगा रहने के लिए और अच्छी सैलरी भी देगा। तो हमारी हंसजोल अपने भाई को बताती है और उनसे कहती है कि मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो उनका भाई उनसे कहता है कि ये पक्का फ्रॉडियर ही है। तो उसके नेक्स्ट डे अब वो लोग उस आदमी से मिलने पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो एक घर पर जाते हैं जो कि योंगप्योंग में होता है और उसके बाद वो उस घर को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हंसजोल और उनके ब्रदर का बचपन उसी घर में बीता है। तो हमारे हंसजोल को अपनी मॉम की भी याद आ जाती है। तो उसके बाद उनका ब्रदर कहता है कि देखो, मुझे तो अभी भी स्कैम लग रहा है और ये बहुत ही बड़ा स्कैमर लग रहा है क्योंकि भाई ऐसे इतने अच्छे ऑफर कौन दे सकता है। तो उसके बाद हंसजोल उनसे कहती है कि देखो, भगवान ने सबको ऑफर दिए हैं, सबको एक मौका दिया है, पर हम ही लोग हैं जो उस मौके को छोड़ देते हैं। पर मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। तो उसके बाद अब वो यहाँ पर उसी क्लिनिक पे मिलने पहुँच जाती हैं और जब वो अंदर जाके देखती हैं तो यहाँ पर हमारे कोकडू भैया बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ ही गई ना, तुम्हें ज़रूरत थी जॉब की और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक जॉब ऑफ़र क्यों ना कर दूँ। तो हंसजोल उनसे कहती है कि देखो, पहली बात तो मैंने तुमसे बोला था कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तो वैसे ही हमारे कोकडू भैया बोलते हैं कि पहले ये ध्यान रखो कि यहाँ पर आया कौन है और शक्ल कौन देख रहा है, मैंने तो मैं नहीं बुलाया। तो उसके बाद हंसजोल यहाँ पर शांत हो जाती है और जो हमारे कोकडू भैया हैं वो कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें घर भी दूंगा रहने के लिए, सैलरी भी दूंगा और तुम्हारा काम भी कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो हंसजोल के मन में यहाँ पर थोड़ा लालच आ जाता है और वो कहती है कि चलो,
कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो हांसेजोल अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, पर हमारे कोकडू भैया वही चीटिंग वाले इंसान है, वो अपनी पावर्स की हेल्प से उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे दो तीन जो क्लॉजेस होते हैं उसे बढ़ा देते हैं, जिसमें पहला क्लॉज ये होता है कि उन्हें उनके साथ डेट पे जाना होगा, और अगर वो ये क्लॉज को तोड़ती हैं तो उन्हें जो बिल्डिंग है उसके 10 साल का रेंट देना होगा। तो हांसेजोल कहती है कि ये तो बिल्कुल चीटिंग है। तो हमारे कुकडू भैया कहते हैं कि तुम्हें पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहिए था, इसमें तुम्हारी गलती है। तो हांसेजोल बेचारी उनसे पूछती है कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करूँगी तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे एग्जैक्ट। तो हमारे जो कोकडू भैया उनकी थोड़ी मैथ वीक है और वो यहाँ पर तो किम बोल देते हैं कि तुम्हें 100 मिलियन बॉन रुपये पे करने पड़ेंगे। तो उसके बाद बेचारी हमारी हांसेजोल अपने भाई के पास आती है और उन्हें एक आइस बैग देती है, मतलब आइस की एक कैंडी टाइप की होती है वो देती है, उनसे कहती है कि पहले तुम ये खाओ उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाओ और मैं तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ। और उनसे कहती है कि मैं उस आदमी से मिलने गई और उसने मुझे धोखा दे दिया और अब मुझे 100 मिलियन बॉन्ड रुपये चुकाने होंगे अगर मैं उसके साथ डेट पर नहीं जाऊँगी। तो उनके ब्रदर उनसे कहते हैं कि इस डील में तुम्हें प्रॉफिट है क्योंकि इसका किराया 10 साल में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके बाद हमारी हांसेजोल के मन में भी लालच आ जाता है और वह यहाँ पर बैंक में जाती हैं और लोन का ट्राई करती हैं, कोई बैंक उन्हें 100 मिलियन बॉन्ड का लोन दे दे, पर यहाँ पर सारी बैंकें मना कर देती हैं। तो बेचारी हांसेजोल अब वहाँ से निराश होकर बाहर निकलती हैं और वह चिल्लाते हुए बोलती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब पहले मौका नहीं था तो कुछ भी नहीं था, अब मौका है तो कोई साथ नहीं देना चाहता। और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि काश ऐसा होता कि पैसे की बरसात हो जाती, तो ऐसा ही होता है यहाँ पर जो बॉन होते हैं अब वो ऊपर से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और वो एकदम सपनों की दुनिया में पहुँच जाते हैं। और वो कहती है कि वास्तव में रुपये ऊपर से गिर रहे हैं, और वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो यहाँ पर हमारे कोकडू खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं यहाँ पैसे की बारिश हो रही है। तो उसके बाद हमारी हांसेजोल उनसे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो कोकडू उनसे कहते हैं कि देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैंने तुमसे जो भी बोला था उसके लिए, और ये पैसे तुम रख सकती हो, कहाँ पर क्यों भटक रही हो, मैंने तुमसे जो काम करने के लिए बोला है तुम वो काम कर दो मेरा, और ये पैसे भी तुम रख लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जो हमारी हांसेजोल है वहाँ से जाते हुए उनसे ये और कह जाती है कि तुम जैसा आदमी जीने लायक नहीं है, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे शरीर की जितनी भी हड्डियाँ हैं वो सब टूटे हैं। और देखते देखते जो हमारे कोकडू भैया हैं उनकी शरीर की सारी जितनी हड्डियाँ होती हैं वो टूटने लगती हैं। तो उसके बाद बेचारे हमारे कोकडू भैया घर पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर थोड़ी उनकी सेवा वगैरह होती है। तो उसके नेक्स्ट डे अब जो हमारी हांसेजोल है अब वो यहाँ पर योंगपोंग में एक जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उन्हें जो बैंक के कर्मचारी है उन्होंने बताया था कि तुम इस जगह जाओगी, यहाँ पर तुम्हें मिस मून मिलेंगी और वो तुम्हारी पैसों की हेल्प कर सकती हैं। तो उसके बाद वो उनसे मिलने पहुँच जाती है और उन्हीं के पीछे पीछे हमारे कोकडू भैया ही पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर मिस मून आती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने डेट का अड्डा यही बना के रखा है क्या, मैं यहाँ पर तुम्हें रुपए देने वाली हूँ तो मुझे थोड़ी सिंसेरिटी चाहिए तुम लोगों से। और वो यहाँ पर उन्हें एक टास्क देती हैं। तो उसके बाद हमारी हांसेजोल वो टास्क को करने लगती है और हमारे कोकडू भैया से कहती हैं कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, मैं अकेले थोड़ी करूँगी सारा काम। तो वो जैसे ये सब बातें बोलती हैं वैसे हमारे कोकडू भैया उनके ऑर्डर को मानना स्टार्ट कर देते हैं और वो पूरा काम कर देते हैं। तो उसके बाद मिस मून आती हैं और वो कहती है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद वो उन्हें रुपए देने के लिए राजी हो जाती है। तो हमारी हांसेजोल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अब वो उस घर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद अब तभी यहाँ पर जब वो शिफ्ट हो रही होती हैं तो एक आदमी आता है और हमारे कोकडू भैया को देख के बोलता है कि भाई ये तो बिल्कुल घोस्ट है, और वो ये बोलते हुए वहीं पर गिर जाता है। तो हमारे कोकडू भैया कहते हैं कि इसकी दूर की नज़र है, बंदे की नज़र तो अच्छी है। और जो हमारी हांसेजोल है वो उनसे कहती है कि तुम खड़े खड़े देखते मत रहो, जल्दी एम्बुलेंस में कॉल करो। और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती हैं। पर जब वो उस आदमी से पूछती हैं कि तुम्हें क्या हुआ था तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस चल रहा था और मुझे कुछ दिखा और मैं गिर गया। और उसके बाद तभी यहाँ पर उनकी वाइफ आ जाती है और उनकी वाइफ और कोई नहीं हमारी मिस मून ही होती हैं। तो यहाँ पर हांसेजोल उन्हें देख के थोड़ा शौक हो जाती है और उसके बाद वो उनसे कहती हैं कि आपके हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उन्हें डायबिटीज़ वगैरह है, मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप उनका चेकअप करा लो। पर मिस मून उनसे कहती है कि तुम हमारे फैमिली के मैटर मत पढ़ो, और अगर तुम्हें रुपए चाहिए तो इनसे दूर रहो, और वो उन्हें मतलब डांट देती हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पर कोकडू भैया उनसे कहते हैं कि तुम ये रुपए मत लो क्योंकि जो मिस मून है वो एक मर्डरर है, वो यहाँ पर अपने हस्बैंड को मोलेस्ट करती हैं,
और जो भी उनका सब कुछ है उसे हटाना चाहती हैं। तो हमारी हंसजुल को ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद वो घर पर आ जाती हैं और अब उसी बारे में सोचती है कि जो कुकडू ने उनसे बोला था। तो हमारी हंसजुल को यहाँ पर याद आता है कि जब वो उनके घर पर गई थी तो वहाँ पर उन्होंने कुछ दवाइयाँ देखी थी, और अब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हाँ, मिस मून अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रही है। तो गाइस, जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पर एंड हो जाता है, और मैं आपको नए एपिसोड में जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।